गुड मॉर्निंग पेरेंट्स, कोविड 19 ने हमारी सारे लोगों की ज़िंदगी को एक फुल स्टॉप लगा दिया है। ऐसे में हम तो बहुत सारी परेशानियों से जूझ रहे हैं, लेकिन सबसे जो बड़ी परेशानी जो मुझे लगती है आप शायद फेस कर रहे होंगे वो होगी कि पेरेंटिंग। वैसे तो पेरेंटिंग के बारे में हम लोग बहुत बार बहुत सारे सेमिनार सुने होंगे, देखे होंगे, सोशल मीडिया पर तो इसका बहुत बहुत कुछ पढ़ा है, लेकिन हमारी पेरेंटिंग ऐसी चैलेंजिंग क्यों हो गई है? क्यों लगता है कि हम लोग आज हमने बच्चों को हैंडल नहीं कर पा रहे हैं? वही आपके पेरेंट्स और उनके पेरेंट्स, मेरे पेरेंट्स, मेरे पेरेंट्स के पेरेंट्स, इन्होंने कभी भी, डेफिनेटली हमसे ज़्यादा उनको बच्चे होंगे, उन्होंने कभी इसको प्रॉब्लम महसूस नहीं करी है। फिर ऐसी क्या बात हो गई कि हम पेरेंटों के लेके इतना हाइप हमारे पास हुआ है? इसकी सबसे बड़ी वजह, अगर से आप चाहोगे या तो सुनना चाहोगे तो मैं बताऊंगा आपको, कि हम लोग ऑर्गेनाइज्ड नहीं हो रहे हैं, एक बात। दूसरी बात है कि सारी परेशानी की जो जड़ है ना, हमारी बच्चों पर, बच्चों से हमारी जो अपेक्षा है वह बहुत ज़्यादा है, और ये बच्चे हमारी प्रॉपर्टी है। ऐसा नहीं होता है, बच्चे हमारी, भले ही हमने उनको, हमारे से बच्चे हुए हैं, लेकिन वो हमारी कभी भी प्रॉपर्टी नहीं है, और ना ही कभी हम उनके मालिक हैं या उनके ओनर हैं। सबसे नंबर एक बात है, हमको पेरेंटिंग करने से पहले ये सोचना होगा कि हमको पेरेंटिंग करना है तो क्या करना है। मैं एग्जांपल देना चाहूँगा कि मैं जब बच्चा था तो मेरे ही पेरेंट्स थे। अनफॉर्चुनेटली मेरे पापा, मैं जब 10 साल का था वो जा चुके थे, और पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो मेरी मम्मी पर थी, और उन्होंने जो हमारी परवरिश करी है, जो भी हमारे चार भाई बहन हैं, जैसे भी हैं, हम लोग एक रिस्पॉन्सिबल सिटीज़न की तरह काम करते हैं। तो उन्होंने क्या किया था, सबसे पहले हमें बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज देना शुरू कर दी थी। इसलिए नहीं कि उनको पेरेंटिंग का आर्ट पता था या उनको पेरेंटिंग कैसे करते पता था, इसलिए कि हमारी वो नीड थी। अगर से रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं देते तो हम काम कैसे करते, घर कैसा चलता? तो सबसे पहले नीड हमारी थी कि रिस्पॉन्सिबिलिटी हमको आ गई, हमारी ज़रूरत थी। आज ऐसे नहीं हो सकता, और मैं जो कह रहा हूँ, मैं एक अकेला इंसान नहीं हूँ कि जिसने बचपन में रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है, मेरे जैसे और हज़ारों भी लोग होंगे, आप में से भी बहुत सारे लोग होंगे। लेकिन सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात आपको समझनी होगी कि अब हमारे और हमारे पेरेंट्स के और आपके बीच में जो सबसे बड़ा अंतर है कि हम लोग बहुत एफ्लुएंट सोसाइटी को बिलोंग करते हैं। हमारे पास में बच्चों को देने के लिए सब कुछ है, हम चाहे तो दे सकते हैं और हम देते भी हैं, और सबसे बड़ी गड़बड़ यहाँ होती है। क्या होता है कि हम देने के चक्कर में इतना सारा देना शुरू करते हैं, और देने के साथ साथ हम अपेक्षा भी उनसे करना शुरू कर देते हैं, माने हम लोग डायरेक्टली और इनडायरेक्टली बच्चों के साथ में हम व्यवहार कर रहे हैं, गिव एंड टेक का व्यवहार कर रहे हैं, और ये सबसे बड़ी हमारे परेशानी या परेशानी हो सकती है, या हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम की जड़ हो सकती है। मैं नहीं कह रहा हूँ कि बच्चों से अपेक्षा करो, लेकिन क्या अपेक्षा करना चाहिए ये हमें समझना होगा, और ये जब हम समझ जाएंगे तो सबसे पहले हमारी पेरेंटिंग सबसे बेस्ट होगी। तो मैं चाहूँगा कि पेरेंट, एज ए पेरेंट, आप बच्चों के सामने सिंपल सिंपल टारगेट रखें और उनको पूछें कि क्या वो करना चाहते हैं, क्या आज नहीं करेंगे तो बाद में करें। देर सवेर कोई ना कोई कुछ ना कुछ तो करता है। अगर से मैं आपके अगर से बचपन को रिवाइंड करना चाहूँ, या अगर से आप अपने बचपन को रिवाइंड करोगे, तो आपके समझ में आएगा कि हमारा बचपना भी ऐसे ही था। शायद हमारे बच्चे हमसे ज़्यादा ओबीडियंट होंगे जितने आप नहीं होंगे। ऐसी कोई चीज़ नहीं होगी कि जो आपने घर वाले मना करने के बावजूद भी आपने करी हो। ऐसी कोई चीज़ नहीं होगी कि आपने घर वालों से छुपा कर वो चीज़ नहीं करी हो। हमारे बच्चों को तो आज हम 24/7 अटका के रखे हैं, स्कूल से कोचिंग क्लासेस से, पढ़ाई के बाद, ये सारों में। तो हमें कहीं ना कहीं वो अपेक्षा का जो सबसे बड़ा जो बवंडर है, हमें उसे रोकना होगा। और एक बार वो हम लोग जब कर जाएंगे तो हमारी पेरेंटिंग अपने आप ही बहुत ईजी से होना शुरू हो जाएगी। पेरेंट्स, हम बात कर रहे थे ऑनलाइन सेफ्टी के बारे में। क्या लगता है आपको कि हम कई बार एज ए पेरेंट भी हम लोग कई सारे मैसेज डालते हैं, फिर उसको डिलीट कर देते हैं, क्या लगता है मैसेज डिलीट होते हैं? ये जिस तरीके से कोई चीज़ हमारे दिल में एक बार आ जाती है वो कभी डिलीट नहीं होती, उसी तरीके से ऑनलाइन कोई चीज़ अगर से एक बार चली जाती है
वो कभी भी डिलीट नहीं होती है, ये उनके डेटाबेस में हमेशा 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 के लिए रहती है। तो ये दिमाग में से निकाल देना चाहिए आपने भी, और बच्चों को भी बताओ। हम कई बार देखते हैं कि 13 साल के बच्चे बच्चियाँ, 14 साल के बच्चे बच्चियाँ अपने मोबाइल से या घर से फोटोज अपलोड करते हैं। बहुत अच्छी बात है एक हिसाब से, लेकिन क्या ये कितना सेफ है? और एज ए पेरेंट, जब हम पेरेंटिंग की बात कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि 21वीं सदी के पेरेंट्स के लिए ये सबसे बड़ी बात है कि हमको ऑनलाइन पेरेंटिंग करना बहुत बहुत ज़रूरी है। ऑनलाइन पेरेंटिंग का मतलब मेरे लिए कि ऑनलाइन चीज़ों को कैसे हैंडल करना चाहिए, सोशल मीडिया को कैसे हैंडल करना चाहिए, ये हमें बताना बहुत 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 ज़रूरी है। तो सबसे पहले हमको क्या करना होगा इसके अंदर एज ए पेरेंट, हमें चेक्स एंड बैलेंसेस, ताकि वो वेबकैम यूज़ नहीं हो रहा है उस बात का आपको ध्यान रखना पड़ेगा, या कौन सी चीज़ें वो डाल रहा है, कौन सी चीज़ें नहीं डाल रहा है, वो डालना पड़ेगा। दूसरी बात बहुत इंपॉर्टेंट है, हमें बच्चों को ये क्लियर बताना पड़ेगा, देखो बेटा बच्चों ये जो भी चीज़ आप डाल रहे हो ना, वो कभी डिलीट होने वाली नहीं है, तो डालने से पहले 100 बार सोचो। आपको अपडेट करने का बहुत शौक है अपने आप सोशल मीडिया में, अपने आपको या स्टेटस में डालने का शौक है, देख लेना कि आप क्या डाल रहे हो और क्या सोच रहे हो, ये बहुत बहुत ज़रूरी है, चाहे वो वीडियो हो चाहे वो पिक हो। तीसरी इम्पोर्टेंट बात है कि आप कौन सी साइट्स एक्सप्लोर कर रहे हो और क्यों कर रहे हो, क्यों करना चाहिए और क्यों नहीं करना चाहिए, ये भी जानना बहुत बहुत ज़रूरी है। ये तीन इम्पोर्टेंट बातों के साथ साथ चौथी जो इम्पोर्टेंट बात हमारे लिए है कि हमारे कंप्यूटर सिस्टम में, या बच्चा जो भी कंप्यूटर यूज़ कर रहा होगा, मोबाइल कर रहा है, वहाँ पे सेफ सर्च हमको डालना पड़ेगा सिस्टम के अंदर, ताकि वो जब भी सर्च करे तो उसको कोई गलत साइट उसके सामने नहीं आए। कई बार ऐसा होता है बच्चे गलत साइट देखते हैं, समझ में नहीं आता है, देखते रहते हैं उसको, और उसकी कीमत फिर शायद हमको बहुत बड़ी बात में शायद चुकानी पड़ सकती है। फिर घर में भी अभी हम देख रहे हैं कि हम लोग बहुत ज़्यादा कंप्यूटर से या सोशल मीडिया से बहुत ज़्यादा मोबाइल के साथ जुड़े हुए हैं। कई सारे पेरेंट हम बाथरूम में भी कभी कभी शायद मोबाइल लेकर जाते होंगे, हमको इतना है ना उसकी आदत सी पड़ गई है। मुझे लगता है कि यार वो आदत ही नहीं है, शायद हमारा वो ऑब्सेसिव कोई डिसऑर्डर होगा या हमारी कोई बीमारी होगी, हम मोबाइल हमारे लिए सबसे प्यारा होगा। लेकिन ये लत अगर से नहीं चाहिए तो घर में हमें ऐसे कुछ स्पेसेस तैयार करने होंगे। मैंने बीच में एक बहुत अच्छा वीडियो देखा था, एक सोशल पार्टी में कुछ पेरेंट्स, अब तो पार्टी भूल जाइए, तब की बात है जब कोविड नहीं था, वो उन दिनों की बात है जब कोविड नहीं था, तो पार्टी में आने से पहले जो होस्ट थे पार्टी के, उन्होंने सारों के मोबाइल फ़ोन जो थे जमा कर लिए थे, ताकि वहाँ जब आए तो लोग मिलकर मिलने के लिए आए हैं, बात करने के लिए, बात करें, ना कि अपने अपने मोबाइल पर लगे रहें। तो हमें इसी तरह से अपने घर में कुछ दिन के कुछ फिक्स आवर्स फिक्स करने पड़ेंगे, या कुछ जगह ऐसे फिक्स करने पड़ेगी जहाँ पे कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस आपका वहाँ पे नहीं रहेगा, कंप्लीट डिवाइस फ्री। अब ऐसी कौन सी जगह हो सकती हैं? एक है मेरे को लगता है जहाँ पे खाना खाने की जगह होगी, सबसे इम्पोर्टेंट है। दूसरा है ड्राइंग रूम में, जैसा हमारा जो हॉल जम जिसके कहते हैं, वहाँ पर नहीं होना चाहिए। क्यों? ये जगह जो है हमारे बातचीत करने का, हमारे साथ आपस में फिजिकली इंटरेक्ट करने का, ये वो जगह होती है, इसी जगह को वही रखिए उसको, ना कि आप सोशल मीडिया के लिए बनाएं। या सुबह नाश्ता, जब भी आप डाइनिंग टेबल पे हो, चाहे सुबह का नाश्ता हो, दोपहर का लंच हो, या शाम का डिनर हो, या चाय पे बैठे हो, जब भी होंगे, ऐसे घर के कुछ जगह फिक्स कर लीजिए जो डिवाइस फ्री है, वहाँ पर कुछ नहीं होगा। हमारे घर में मैंने शुरू किया था, हमने बोला था कि हमारे घर में एक ही टीवी होगा, तो रूम में कोई टीवी नहीं होगा। वजह क्या थी उसकी? कि भाई पहले तो टीवी अगर से है तो कम से कम साथ में चुप बैठ कर क्यों ना हो, सब साथ में देख रहे हैं। अगर से रूम रूम में टीवी लगा दोगे तो क्या होगा? रूम रूम में जाएंगे तो 7 बजे के बाद में घर चले जाएंगे, तो अपने रूम में बैठेंगे, टीवी देखेंगे, और वो तो हॉस्टल की तरह हो गया। फिर तो सुबह मम्मी ने आवाज़ लगाई, सारे धड़ नीचे उतरे, नाश्ता किया, काम किया, फिर ऊपर चले गए। हम क्या हॉस्टल में रह रहे हैं? ये हमारा घर है, हमें ये नहीं भूलना चाहिए। और ये घर किससे बनता है? ब्रिक्स से बनता है? नहीं, इसमें रहने वाले इंसानों से बनता है। और वो घर घर तब तक रहेगा जब तक हम एक परिवार की तरह साथ रह रहे हैं, सुख दुख बांट रहे हैं, ना कि ऑनलाइन।
हम फिजिकली बात करके चीज़ों से डिस्कस कर रहे हैं। जिस दिन ये नहीं होगा, समझ लेना आपका घर 5-स्टार होटल बन गया है। तीसरी बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि आपको जो भी, मैं थोड़ी देर पहले भी कहा था कि जो भी बात कर रहे हैं या जो भी चीज़ होती है ऑनलाइन के बारे में, इनअप्रोप्रिएट जिसको बोलेंगे, जो गलत चीज़ें हैं, गलत साइट्स आ जाती हैं कभी कभी तो, और वो कभी कभी बहुत मज़े की बात होती है वो ना, अब हमको नहीं पता होता है, मैं बहुत टेक्निकली बहुत साउंड नहीं हूँ, मैं कभी कभी गलती से कोई बटन दब गया तो मैसेज आना शुरू होते हैं, हमें पता ही नहीं होता है। तो ऐसी इनअप्रोप्रिएट चीज़ों के बारे में बच्चों को आपको हमेशा जानकारी देती रहनी पड़ेगी। ये बहुत बहुत ज़रूरी है एज ए पेरेंट हमको करने के लिए। और बहुत इंपॉर्टेंट बात जो दूसरी है कि आपको हमेशा, और ये बात शायद अब हमें बताने की ज़रूरत है या साबित करने की ज़रूरत है, कि आपको हमेशा बोलते रहना पड़ेगा, बेटा हम आपके साथ हैं। आपके और उनके रिलेशन, बच्चों के और आपके रिलेशन को बहुत स्ट्रांग रखने पड़ेंगे, उनको विश्वास दिलाना होगा कि कुछ भी हो जाए, बचपन में करते होंगे आपको याद होगा, मैं हमेशा बोलते रहता हूँ ये, या आपके बच्चे 2 साल के होंगे, 1 साल के होंगे, 6 महीने के होंगे, तो आप बच्चों को जो है ना ऐसे उठाकर ऊपर फेंकते थे और कैच करते, किया कि नहीं कभी आप लोगों ने? तो बच्चों को भी रोते हुए देखा आपने? नहीं, बच्चा हमेशा मुस्कुराते हुए नीचे आता है, क्यों? सोच के देखिए, इसलिए कि उसे विश्वास है कि मेरे पापा मुझे कभी भी गिरने नहीं देंगे। और वही विश्वास जैसे जैसे बच्चे बड़े होते हैं वो कम होना शुरू होता है, हमें वो विश्वास वहाँ पे देखना पड़ेगा। मैं कहानी सुनाता हूँ। एक बार एक बेटा अपने पिताजी के साथ नदी पार कर रहे थे और अचानक से नदी में तेज बहाव आ गया, तो बेटे ने बोला, पापा ने बोला, बेटा मेरा हाथ ठीक से पकड़ के रखो ताकि अब गिर नहीं जाओ या छूट नहीं जाओ। पता है बेटा क्या बोलता? पापा मैं नहीं आपका हाथ पकड़ूंगा, आप मेरा हाथ पकड़ो। पिताजी पूछते क्यों? बोलता है बेटा, पापा मेरा हाथ तो छूट जाएगा लेकिन मुझे भरोसा है कि आप मेरा हाथ छोड़ने नहीं दोगे। और यही भरोसा हमें इस ऑनलाइन के ज़माने में भी बरकरार रखना है, कायम रखना है। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट बात हो जाती है। नेक्स्ट है कि कंप्यूटर में थोड़ा सा प्राइवेसी सेटिंग वाला भी जो मैटर होता है वो भी थोड़ा सा हमको देखना पड़ेगा, और हमारे बच्चों को बताना पड़ेगा कि कौन सी इन्फॉर्मेशन किसके साथ में कब शेयर करनी है, या शेयर करनी है क्या, नहीं शेयर करनी है। इतने भी अपडेट होने की ज़रूरत नहीं, इतने भी अपडेट मैं देख रहा हूँ कई बार ही, भाई लोग ट्रेन में बैठे हैं तो फोटो निकाल रहे हैं, पहुँच रहे हैं तो फोटो निकाल रहे हैं, खाना खा रहे हैं तो फोटो, अभी तो मैं देख रहा हूँ ये कोविड के माध्यम से तो बहुत ज़्यादा हुआ है। तो कहीं ना कहीं हमको ये सारी चीज़ों को देखना पड़ेगा, हमें क्या दिखाना है पेरेंट्स को, लोगों को, और क्या नहीं दिखाना, चाहे मैं रिश्तेदार भी हूँ। तीसरी बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि हमें कॉमन सेंस बताना चाहिए सोशल मीडिया के बारे में, कुछ बेसिक जानकारी उनको दिखानी चाहिए कि इसके अंदर के कौन से ऐप्स कितने अच्छे, कौन से एज ग्रुप के लिए क्या है। और जब नहीं पता होता है ना तो फिर बहुत दिक्कत हो जाती है। बीच में कुछ आए थे ऐसे डेंजरस ऐप्स, तो क्या था, हमको नहीं पता था 10 साल का बच्चा, 8 साल का बच्चा, 9 साल का बच्चा वो खेल रहा था और उसका नतीजा हमने देख लिया है। ये भी बहुत 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 इंपॉर्टेंट बात है। ऐसे भी हम लोग, आप सारे लोग जो है ना 21वीं सदी के पेरेंट्स हैं, तो आपके चैलेंजेस भी वैसे होंगे। मैं आपको उस बारे में नहीं बोलूँगा कि आप बच्चों को ये मत करो, वो मत करो, वो तो आप करोगे, आपको तो सारी जानकारी इसकी पहले ही होगी आपके पास में। ये कुछ चीज़ें बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। और बहुत तीसरी बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि आप थोड़ा सा टाइम निकालो अपने बच्चों की जो भी ज़रूरतें हैं उनको समझने के लिए। एक माँ बाप का क्या कर्तव्य होता है, मेरे माँ बाप मेरे लिए ज़्यादा समय, अच्छे कपड़े, अच्छा खाना, इसके लिए करते थे। उस ज़माने में एक बहुत हिट फिल्म हुई थी 70 के, मैं बात कर रहा हूँ जब मैं काफ़ी एज मेरी बहुत छोटी थी, रोटी कपड़ा और मकान, ये हमारे 3 बेसिक नीड्स थे। फिर एक दौर आया अच्छी रोटी, अच्छा कपड़ा, अच्छा मकान, वो दौर भी गया। अब क्या दौर है, अब एक ही है, अच्छी परवरिश और केवल अच्छी परवरिश। और ये हम नहीं कर सके, यहाँ हम अगर से चूके तो हमारी आने वाली सारी पीढ़ियाँ बहुत बड़ी मुसीबत में फंस सकती हैं। उन्हें बहुत बड़ी, उन्हें नहीं पता होगा कि चीज़ों को कैसे हैंडल करना चाहिए।
मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, अमेरिका में क्या है, अमेरिका में चीज़ हैंडल नहीं कर पा रहे लोग। ये सारी चीज़ों को हमको ध्यान में रखना। और सबसे बहुत इम्पोर्टेंट बात है, बच्चे जब हो रहे होते हैं तो बच्चे कई बार डिस्ट्रेस में जाते हैं। हो सकता कोई उनको बुलिंग कर रहा होगा, बुलिंग का मतलब है कोई उनको धमका रहा होगा, या हो सकता है कि कोई उनके साथ ब्लैकमेल कर रहा होगा, या कोई कह रहा होगा उनके साथ में कोई दोस्ती करने के लिए कह रहा होगा, किसी चीज़ के लिए प्रेशर डाल रहा होगा, या कोई ऐसा गेम खेल रहे होंगे जिसकी वजह से प्रेशर में आ रहे होंगे। एज ए माँ बाप आपको वो समझना होगा। कई बार ऐसा होता है ना कि नहीं नहीं मेरा बच्चा तो कुछ नहीं कर सकता। कोई भी बच्चे को, कोई भी बच्चे के बारे में कोई भी माँ बाप गलत नहीं सोच सकते, सोचते भी नहीं है। लेकिन अगर से आप बच्चों को गौर से देखोगे, ये कैसे बहुत इंसान बहुत सिंपल है, बच्चा आपसे रोज़ हंस खेल रहा है, अचानक से बच्चा एकांत में चला जा रहा है, बात नहीं कर रहा है, या अचानक से गुस्सा हो रहा है, चिड़चिड़ा रहा है, तो समझ लो कि उसके ऑनलाइन के साथ कुछ ना कुछ गड़बड़ ज़रूर है। और टाइमली अगर से आप इंटरव्यू नहीं करोगे वहाँ पे, टाइमली आप अगर से वहाँ नहीं जाओगे, तो बच्चे के लेकर बहुत बड़ी समस्याएँ आपको आगे आ सकती है। ये ऑनलाइन एजुकेशन एज ए पेरेंटिंग, मुझे लगता है कि अगर से मुझे अगर से बोलते कि सबसे पहले क्या करोगे आप, तो ऑनलाइन किस तरीके से बच्चों को किस तरीके से हैंडल करना चाहिए, ये एज ए पेरेंट बहुत बहुत बड़ी बड़ी इम्पोर्टेंट जिम्मेवारी। गुस्सा बहुत 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 बड़ी चीज़ है, और पेरेंटिंग में इसका बहुत बड़ा महत्व है। अगर से गुस्सा नहीं होगा तो क्या होगा, गुस्सा करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, और गुस्सा किस तरीके से करना चाहिए, ये बहुत बहुत बड़ी बात है। हमारे यहाँ देश में आम तौर पे डांटना, हर बार बच्चे को बेइज्जत करना हमारे देश में शायद बहुत आम है। मुझे याद है हम कितना मार खाते थे, स्कूल में भी और घर पर भी। ऐसा एक दिन नहीं गया है जब हम कभी मार नहीं खाए होंगे, इसलिए कि हम हर बार गलती करते थे। बट कभी कभी बगैर गलती किए भी हम मार खाते थे, कि तो हमारे पेरेंट्स को बहुत ज़्यादा गुस्सा था। मैंने थोड़ी देर पहले कहा मैं थोड़ा ज़िद्द भी था, बट मेरे अकेले की बात नहीं थी। उस ज़माने में लगभग हर पेरेंट अपने बच्चों को कंट्रोल करने का सबसे आसान तरीका मानता था, वो है डांट और दूसरी है मार। घर परिवारों में भी झगड़े की वजह जो होती थी, झगड़े होने की वो होती थी गुस्सा। और गुस्सा वो अवस्था होती है जब मन के एक जब व्यक्ति के अपने आप पर नियंत्रण जब व्यक्ति खो जाता है, खो बैठता है, तब वो गुस्सा करता है। साइकोलॉजिकली इसके मैं डेफिनेशन में नहीं जाऊंगा मैं, कि तो मैं साइकोलॉजिस्ट नहीं हूं, लेकिन एक आम आदमी की तरह सोचो अगर से आप, तो हम अपना कहीं ना कहीं मेंटल बैलेंस खो देते हैं, और हमारे ब्रेन को, हमारा जो हार्ट है वो ओवरपावर कर देता है, और हम कंट्रोल के बाहर चले जाते हैं। माने कि हम इमोशनली बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हो जाते हैं। उसे गुस्सा क्या कहेंगे, गुस्सा माने वो होता है। तो क्या अभी बच्चों को, आज के बच्चों को गुस्सा करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, इससे बहुत भेद मतभेद है। विदेशों में बच्चों को गुस्सा नहीं कर सकते, यूरोपियन कंट्रीज में खास कर। गुस्सा करने से क्या होता है, गुस्सा करने से बच्चे में निगेटिव फीलिंग आना शुरू होती है, और वो धीरे धीरे करके बच्चा निगेटिविटी में जाता है, और उसे लगता है अगर से किसी को चुप बिठाना है, या अपने दिल की कुछ करवाना है, या अपनी बात मनवानी है, तो हमें आगे वाले को गुस्सा करना चाहिए, उसको डांटना चाहिए। ले इसी वजह से वो बच्चा उस तरीके से सीखना शुरू होता है। लेकिन सारी प्रोसेस में जो सबसे बड़ी बात जो होती है, वो होती है बच्चे का सेल्फ एस्टीम, उसकी जो उसका जो खुद की जो आत्मसम्मान है वो धीरे 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 कम हो जाना शुरू हो जाता है, और फिर वो डेयरिंग नहीं करता, वो कोई काम करने के लिए हिम्मत नहीं करता, उसे डर लगा रहता है कि अगर से मैं कुछ कहूँ मेरी डांट पड़ेगी,
तो चाहकर भी नहीं कर सकते। तो मान के चलिए कि बच्चे की क्रिएटिविटी को खत्म करने का काम ये गुस्सा करता है, बच्चे की सोचने पर अंकुश लगाने का काम ये गुस्सा करता है। हमें बहुत सहज लगता है, हम उसके बाद में बच्चे का लाड़ भी करते होंगे, प्यार भी करते होंगे। वो एक मजे की बात कहता हूं मैं, एक बार ऐसा होता है कई बार कि बच्चा किसी चीज के लिए जिद करता है, जिद करे जा रहा है, माँ उसको इग्नोर कर रही है, और बच्चा कुछ है कि सुनने को तैयार नहीं है। और एक लिमिट के बाद मम्मी का गुस्सा इतना, मम्मी का या चाहे पापा का गुस्सा इतना चरम पर पहुंच जाता है कि पिताजी या मम्मी उसकी जो भी होगी उसको डांट देती है, और कभी कभी उसको बहुत बुरी तरीके से पीट भी देती होगी। कुछ देर बाद क्या होता है, जब बच्चे को, जब मम्मी को या पापा को गिल्ट फील शुरू होता है, गिल्ट होता है उसके बाद, गुस्से के बाद नॉर्मली आदमी सर को गिल्ट होता है कि यार मैंने ऐसा क्यों किया, तो उस वक्त अपनी आदमी मेंटल बैलेंस खो चुका होता है। थोड़ी देर में वो ठीक होता है तो सोचना शुरू करता है। उसके बाद क्या होता है, उस बच्चे को वही चीज दी जाती है जिसके लिए उसको मारा गया था। तो क्या हो गया, अगर से मम्मी या पापा वो सोचते कि यार जिद ही कर रहा है ना, दे दो उसको, तो पहले दे देते। डांट के मार कर घर का पूरा माहौल बिगाड़ कर अपना सारा एनर्जी गंवा कर बच्चों को इतना बुरा मार के उसको फिर दोबारा वो चीज दे रहे हो, तो इसमें क्या मतलब है। तो डांटने से पहले, गुस्सा करने से पहले हमें 10 बार सोचना होगा कि हमें गुस्सा क्यों करना चाहिए। मैं तो गुस्से का समर्थन ही नहीं करूं, गुस्सा तो करना ही नहीं चाहिए, हो सका उतना, ये कहना इतना आसान है, करना उतना ही कठिन है। तो एंगर मैनेजमेंट अभी बीच में CBSE ने भी शुरू किया है, एंगर मैनेजमेंट क्लास हम लोग बहुत जल्दी हमारे स्कूल में भी शुरू करने वाले हैं। एंगर मैनेजमेंट ये बहुत बड़ी चीज़ है, खुद पे गुस्से पे अगर से कंट्रोल नहीं रखोगे आप, तो आप अपने सारे रिलेशंस को बिगाड़ दोगे, आप अपने रिश्तेदारों के बीच बहुत ज़्यादा पॉपुलर नहीं होंगे, आपके बच्चे आपकी सुनेंगे नहीं, और साथ ही साथ बच्चों का पूरा सेल्फ एस्टीम खत्म हो जाएगा, और बच्चे आगे कुछ करने की स्थिति में भी नहीं रहेंगे। और जिस तरीके से आजकल के बच्चे हैं, आजकल के बच्चे बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है, इन्हें बहुत प्यार से, बहुत जिम्मेवारी से और बहुत संभल कर इनको हमको बड़ा करना है। और ये मुझे मालूम है कि जिस तरीके से हमारी परवरिश हुई है, हम चाहते हैं कि उसी तरीके से परवरिश करें, लेकिन अब वो संभव नहीं है। तो ये गुस्से के हमें सबसे पहले क्या करना चाहिए, हमें सबसे पहले देखना होगा कि हम बार बार वही गलती ना करें जो हम कर रहे हैं। इसके बाद में जो चीज़ से हमें गुस्सा आ रही होती है उस सोर्स को ख़त्म करें। और क्या होता है नॉर्मली, जब आदमी गुस्सा क्यों आता है, आदमी एक स्टेट ऑफ माइंड में चला जाता है और उस स्टेट ऑफ माइंड से बाहर निकलना नहीं चाहता, मतलब एक सोच प्रक्रिया में चला जाता है और उसमें निकलना नहीं चाहता है, निकल नहीं पाता वो, और बार 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 वो फिर चिड़चिड़ वो दिमाग में उसके एक्युमुलेट होते रहता है और वो धीरे धीरे वो बाहर निकल कर आने शुरू हो जाता है। तो इसलिए हमें बहुत ज़रूरी है कि उस सोर्स को जो भी है, जहाँ से हमें गुस्सा हो रहा है, उसी को हमारे दिमाग में आने ही ना दें, मतलब जो चीज़ से हमको गुस्सा आ रहा है वो चीज़ हो ही ना, वो मौके हम नहीं देना चाहिए। जैसे अभी मान के चलो कोरोना क्यों होता है, कोरोना ऐसे नहीं होता है, हम किसी के संपर्क में आएंगे तो कोरोना, हम वो सोर्स ही तोड़ रहे हैं, लॉकडाउन करके हम कर क्या रहे हैं, हमने उस सारे सोर्स को रोक दिया है, और हम सोर्स को रोक सकेंगे तो कोरोना आगे नहीं फैलेगा। और उसी तरह गुस्से का भी है, आप गुस्से के सोर्स को रोकोगे नहीं, उसको थामोगे नहीं, तो गुस्सा बढ़ता जाएगा, मल्टीप्लाई होता जाएगा, और ये कहां तक जाके रुकेगा ये हमको नहीं पता, जिस तरीके से कोरोना का है। तो कोरोना में और गुस्से में एक समानता है, इसका सोर्स आपको खत्म करना पड़ेगा, वो जहां से गुस्सा हुए सिचुएशन ना क्रिएट हो, और ये सिचुएशन क्रिएट ना हो तो क्या करेंगे हम लोग, क्या अवॉइड करेंगे उसको, हम लोग उस सिचुएशन को अवॉइड करते हैं, निगलेक्ट करते जाएंगे, नहीं इग्नोर करेंगे, नहीं, हमें वो सिचुएशन तो आएगी, आने के बाद में उसको उस किस तरीके से रिएक्ट करना चाहिए ये हमको सोचना पड़ेगा। दूसरी बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि जब आपको बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है, एंग्शियस आप हो रहे होते हैं, आपकी एंग्जाइटी लेवल आपका बढ़ रहा होता है, तो आपको सबसे पहले बहुत बार ऐसे कहते हैं हमारे पास भी कि एक गिलास पानी पी लो, 100 तक की गिनती करो, ये जो होता है ना, ये होता ही है कि हम अपने माइंड को जो है थोड़ा सा डाइवर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं और हमारी एंग्जाइटी कम हो जाती है। छोटे बच्चों का ऐसे ही ले लो आप, छोटे बच्चे बहुत जल्दी किसी चीज़ के लिए रोना शुरू कर देते हैं, रोते रहते हैं,
आप उनका ध्यान थोड़ा डाइवर्ट कर दो तो भूल जाएंगे उसको, फिर थोड़ी देर का ध्यान फिर रोएंगे, फिर डाइवर्ट कर दो। उसी तरीके से हमारे गुस्से का भी है, वो जो एंग्जाइटी है उसकी वजह क्या है, और वहाँ पहले ब्रेक ले लो आप, वहाँ चाहे तो पानी पी लो चाहे थोड़ा सा बाहर चले जाओ। कई बार ऐसा होता है ना कि घर में पति पत्नी के बीच में बहुत बुरी तरह झगड़ा हो रहा है और पति महोदय घर छोड़ के निकल जाते हैं बाहर, उस वक्त पत्नी को शायद बुरा लगता होगा मेरा पति बाहर छोड़ के, मुझे लगता है वो सबसे सही तरीका वही है, घर में रहेंगे तो और बढ़ता रहेगा, घर में और बढ़ता रहेगा, इससे बेटे को जा रहे ना जाने देना उनको, और ताकि वो ब्रेक हो रहा है वहाँ पर। तो आप सबसे पहले तो थोड़ा सा ब्रेक ले लो, और इसको जितना बार लंबी लंबी सांसें ले लो आप, या ओम नमः आपको जो भी बोलना है आप बोलो उसको, इन शॉर्ट आप अपने दिमाग को वहाँ पर डाइवर्ट करना चाहिए। हम गुस्से की वजह क्या है, हम वो साइकोलॉजिकल चीज़ों में नहीं जा रही, बट ये गुस्सा करने से हमारे परिवार के माहौल किस तरह से बिगड़ सकता है और क्यों नहीं बिगड़ना चाहिए, कैसे नहीं बिगड़ना चाहिए, इसके लिए लोग इस पर कोशिश कर रहे हैं। और तीसरी इंपॉर्टेंट बात है कि सबसे बहुत ज़रूरी होता है कि जब गुस्सा आ रहा होता है तो सबसे पहले अपने आप पे कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी होता है। गुस्सा जिसने अगर से कंट्रोल कर लिया तो उसके तो वारे नारे हो गए, वो तो एकदम अपनी ज़िंदगी बहुत सही से चलेगा। और बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि हमारे इमोशंस को कंट्रोल करना, और गुस्सा अपने इमोशंस का ही एक पार्ट है, और सबसे सबसे नेगेटिव है, सबसे ज़्यादा नेगेटिव अगर से कुछ होगा तो गुस्सा है। आप इमोशन होकर रो रहे हो तो वो नेगेटिव नहीं है, आप इमोशन की चुप बैठ रहे हो तो कुछ है देर के लिए वो नेगेटिव नहीं है, बट गुस्सा बहुत नेगेटिव, इसमें तो इसमें डिस्ट्रक्टिव फैक्टर बहुत ज़्यादा काम करता है। इसलिए एंगर मैनेजमेंट भी एक बहुत बहुत बड़ी बात, हम सभी को इसमें ध्यान रखनी पड़ेगी ताकि हमारे घर का माहौल बहुत अच्छा सा रहे। भारतीय परिवारों में जब भी पेरेंटिंग की बात होती है तो एक बात हमेशा सभी लोग कहते हैं, संस्कार। संस्कार क्या है, अगर संस्कार हम दो उसकी उसका विग्रह करते हैं तो सम माने अच्छा, कार माने कार्य, माने अच्छा कार्य। और अच्छा कार्य कब होता है, अगर से कोई चीज़ को बार 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 करते रहेंगे तो वो संस्कार होता है। मैंने कहीं पढ़ा था वो आपके साथ मैं शेयर कर रहा हूँ। अब अच्छे संस्कार के क्या है, अगर से बच्चा हाथ धो के खाना खा रहा है तो इसको क्या बोलेंगे आप, अच्छा संस्कार बोलेंगे, वो तो उसका कार्य है, वो कार्य कर रहा है, कृति है, वो तो कृति कर ही रहा है। लेकिन खाना खाने से पहले अगर से वो पूछता है कि घर के सभी लोगों ने खाना खाया है तो वो संस्कार है। संस्कार ये नहीं है कि बच्चा आपका सुने या बच्चा आपका कहने में रहे। मैं एक बात बहुत मजे की बात कहता हूँ कि बच्चों को कभी भी ये मत समझो बच्चा आपकी अगर से सुन नहीं रहा तो वो संस्कार में नहीं है या संस्कार ही नहीं है। यहाँ ना हमारी बहुत बड़ी प्रॉब्लम यहाँ पे होती है, बच्चा सुन नहीं रहा तो उसके कोई संस्कार ही नहीं रहे, ये बच्चा बहुत जिद्दी हो गया, बच्चे पे कोई संस्कार नहीं है, नहीं। और वो इस तरीके के संस्कार डाले भी मत आप, इस तरीके के संस्कार एक समय ठीक रहे होंगे, जिस तरीके से स्कूल में पनिशमेंट देना एक समय ठीक रहा होगा आज नहीं है, क्योंकि समय बदल गया है। उसी तरीके से संस्कार में ओबीडियंसी नहीं होनी चाहिए, बच्चा नम्र रहे, विनम्र रहे, बच्चा दुराग्रही नहीं रहे, बच्चा किसी चीज को जिद ना करे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि उसके विचार वो बोल रहा है तो आपका बंड कर रहा है या आपके विरोध में जा रहा है, हाँ या आपका अनादर कर रहा है, बिल्कुल भी नहीं। ऐसा करोगे तो बच्चे की स्वतंत्र तरीके से सोचने की क्षमता है जो जिसकी जरूरत भारत को बहुत ज़्यादा है, सोचने की आदत बहुत ज़रूरी है। अगर से आप जैसा बोलोगे वैसा सुनता जाएगा या आपके आप विरोध में कुछ बोलेंगे तो आप बोलोगे ये बच्चा मेरा अनादर कर रहा है, तो बच्चा धीरे धीरे करके धीरे धीरे करके उसकी सारी सोच खत्म हो जाएगी, वो बहुत ही आज्ञाकारी, इतना ज़्यादा आज्ञाकारी होगा कि वो दिल से कुछ भी नहीं कर पाएगा। उसकी सोचने की क्षमता, करने की क्षमता, उसमें इस तरीके का इतना ज़्यादा इन्फेरिटी कॉम्प्लेक्स आ सकता है कि वो कुछ भी नहीं कर पाएगा। क्या आप चाहते हो कि आपका बच्चा ऐसा बने, मैं तो नहीं चाहता। मैं इसके एग्जाम्पल देता हूँ, मेरे दो बच्चे हैं, एक बेटा एक बेटी है। बेटी जब मेरी 10th पास हुई थी तो उसका अच्छे नंबर थे और उसका पहले से डिसाइडेड था, और मैंने कभी भी मेरे दोनों बच्चों को आज तक कभी भी फोर्स नहीं किया।
कि तो मुझे लगता है कि बच्चों को अपने इंडिपेंडेंट उनकी सोच है, गलती करेंगे तो हम संभाल लेंगे, जिस तरह से बच्चों ने संभालते थे आज भी संभालेंगे। वो सोच से मैं हमेशा से दोनों बच्चों की परवरिश मैंने उस तरीके से करी। अब कितना सक्सेसफुल हुआ कितना फेलियर हुआ ये तो वक्त बताएगा। तो हमने उसको साइंस लेने की इच्छा नहीं थी और मैंने भी फोर्स नहीं किया। मैंने एक बार पूछा बेटा आपको साइंस लेना चाहिए, बोले नहीं पापा मुझे नहीं करना है। मैंने ठीक है, फिर उसने मुझे बोला कि मुझे इंडिया के बेस्ट कॉलेज में मुझे आकर मुझे बीए में साइकोलॉजी में मुझे बीए करने में। मैंने ठीक है, फिर मैंने बोला कि आप क्या करोगे। मैंने जैसे उसका टेंथ आसपास थी वो, मैंने उसको बोल दिया कि ये कॉलेज इंडिया के बेस्ट कॉलेजेस है और यहाँ पर आपको अगर से आर्ट्स में एडमिशन लेना है बीए में तो यहाँ पे 95% के आसपास आपको मार्क लेने होंगे। हमारे पास तो आर्ट्स की वैसे कोई वैल्यू नहीं है, बट मुंबई पुणे दिल्ली में जाओगे तो आर्ट्स जो अच्छे परसेंट लेते हैं ना, जो होशियार जो बच्चे होते हैं वो हमेशा ह्यूमैनिटीज़ में जाते हैं, मैंने आर्ट्स में जाते हैं। तो मैंने टारगेट रख दिया, बेटा ये आपका टारगेट है, आपको डिसाइड करना है, मैं कुछ नहीं कर सकता आपकी। नांदेड़ में कोई भी अच्छे आर्ट्स के कॉलेज इंग्लिश मीडियम में नहीं है, आपको बॉम्बे पुणे दिल्ली ही देखना पड़ेगा। तो मैंने क्या किया, ना मैंने फोर्स किया ना उसके उसके विचारों का अनादर किया, लेकिन मैंने उसके सामने टारगेट रख दिया और नतीजा ऐसा हुआ कि शी स्कोर 92% मार्क्स। शायद मैं उसको साइंस जबरदस्ती लेके क्या करता, अगर से मैं उसको साइंस में करवा देता, मेरा आदर करके बच्ची कर भी लेती और 50-60% मार्क लेती तो कहाँ रहती वो, नांदेड़ के किसी कॉलेज में पढ़ रही होती, बीएससी कर रही होती और आगे क्या करती। तो हमेशा से विचारों का आदान प्रदान घर में होना चाहिए, और बच्चा कोई अपनी बात रख रहा है वो आपका अनादर नहीं कर रहा। और मैं बात कहना चाहूँगा आपको बहुत दावे के साथ कि माँ बाप का अनादर बच्चे कभी भी नहीं करते, ना आपने किए हैं ना मैंने किया है और ना ही मेरे बच्चे करेंगे। विचारों में मतभिन्नता हो सकती है, हमारे विचार उनके विचार के, तो हम जिस तरीके से दुनिया को देखने की कोशिश कर रहे हैं उनका चश्मा अलग है हमारा चश्मा अलग है। आपको कुछ देखना तो आपको चश्मा लगता है, वो बगैर चश्मे के देख सकते हैं, तो उनका दृष्टिकोण उनका नज़रिया हमसे बहुत अलग है, कि तो वो अलग पीढ़ी में रह रहे हैं और उसके उसका सम्मान हमको करना चाहिए, उसका सम्मान लगा। तो संस्कार की जब बात करें तो ये मत समझना कि बच्चा संस्कार नहीं है। दूसरी एक बात आती है, जब भी हम संस्कार की बात करें, शायद मैं थोड़ा ऑफबीट बोल रहा हूँ, बुरा मत मानिएगा, संस्कार की बात आ रही है तो हम बहुत बार सुबह सुबह कर्मकांड जो धार्मिक विधि है जो हमारी पूजा पाठ करना है, पूजा पाठ से ज़्यादा अध्यात्म की तरफ उसको लेकर जाइए आप। अध्यात्म चिरकालीन है, अध्यात्म के अंदर समाधान मिलेगा आपको। कर्मकांड करने से क्या करेंगे, सारी पोथियाँ पढ़ ला ली, अगर जो उसमें से कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो उस पोथियों को क्या करोगे आप। उसको महाभारत रटवाने से महाभारत का उसको बोध दीजिएगा, गीता रटवाने के बजाय उसको गीता में क्या दिया है और उस गीता के उस पाठ को, गीता सबसे बहुत रिलेवेंट जो चीज़ जिसको बोलेंगे वो ग्रंथ है इस दुनिया का, वो आज की तारीख में भी फिट बैठता है, चाहे कोई भी हो जाए, कोई भी समस्या हो। तो हमको वो समझना पड़ेगा कि उसको वो चीज़ को पढ़कर वो कैसे अपना जीवन और इस समाज का कल्याण कर सकता है। तो वो संस्कार होने चाहिए, संस्कार वो होने चाहिए कि आपका आदर सदैव करता रहे, गरीबों की मदद हमेशा करता रहे, ज़रूरतमंद की मदद हमेशा करता रहे और स्वार्थी कम से कम बने। तो संस्कार दो प्रकार के हैं, घर में सारा टाइम बहुत धार्मिक है और बाहर जाके सारे गलत काम कर रहे हैं, क्या आप उसको संस्कार बोलोगे। संस्कार हमारे अंतरात्मा का विषय है और उसकी अंतरात्मा को आपको एज ए पेरेंट जगाना पड़ेगा, ताकि वो सदैव चाहे कोई भी काम कर रहा हो वो उसके साथ उसको रहने का